क्वेश्चन एड्स करते हैं राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस केसोमाइड ए करते हैं ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम बेरियम आयोडाइड पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला आप लिखोगे के आई क्योंकि जितने भी हेलोजन है ना उनकी नेगेटिव वन वैलेंसी है पोटेशियम तो हमें पता है वन होती है ये आपका एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है बेरियम आयोडाइड यहाँ पर बेरियम की बैलेंसी टू है आयोडीन की वन है तो बी ए आई टू हो जाएगा ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है राइट यानी कि पानी में इसका सॉल्यूशन है पोटेशियम आइडाइड चूँकि के आई हो गया अगेन ये एक्वस फॉर्म में है और बेरियम ब्रोमाइड जो कि सॉलिड बना है यानी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है आपकी राइट बी ए बी आर टू अच्छा यहाँ पर मैंने यहाँ पर पोटेशियम आइडाइड लिख दिया है यहाँ पर ये पोटेशियम ब्रोमाइड है तो ये हो गया आपका के बी आर राइट के बी आर क्लियर हुआ अब देखो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड है यहाँ पर पोटेशियम आइडाइड है और बेरियम ब्रोमाइड बना है बेरियम बीरियम आइडाइड यहाँ पर तो एक्सचेंज हुआ है आयंस का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन तो पहली रिएक्शन का जो आंसर आपका वो क्या है आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है पहले उसको लिखने के हम करते हैं इसको बैलेंस ठीक है पोटेशियम हमारा वन है वन है बेरियम वन है यहाँ पर बेरियम टू है तो मैं यहाँ पर टू लिख दूँगी यहाँ पर टू लिखा तो यहाँ पर पोटेशियम भी टू हो गया मैंने यहाँ पर भी टू लिख दिया अब देखते हैं पोटेशियम टू पोटेशियम टू बेरियम टू बेरियम टू ब्रोमीन टू ठीक है पोटेशियम और ब्रोमीन हमने कर लिया बैलेंस अब बेरियम वन बेरियम वन आइडिन टू आइडीन टू तो रिएक्शन हमारे यहाँ पर इस तरह से ये बैलेंस हो गई है क्लियर एक बार फिर से आप चेक कर सकते हो पोटेशियम टू पोटेशियम टू ब्रोमीन टू ब्रोमीन टू राइट फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम बेरियम वन बेरियम वन और आइडीन टू और आइडीन टू ये आइडीन टू है तो ये हमारी चूँकि आयन एक्सचेंज तो जो है तो टाइप जो है रिएक्शन की वो क्या है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर टाइप पूछा है तो यहाँ पर आप लिख दोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट सेकेंड क्वेश्चन करते हैं जो कि बी पार्ट है क्वेश्चन का अब हम इसको सॉल्व करते हैं बी पार्ट को जिंक कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है आपका जेड एन सी ओ थ्री का होल ट्वाइस अगेन वही चीज़ है नहीं यहाँ पर जेड एन सी ओ थ्री रहेगा क्योंकि दोनों की बैलेंसिंग टू है जेड एन की टू प्लस है कार्बोनेट की टू माइनस है ये आपका सॉलिड है और ये आपको दे रहा है जिंक ऑक्साइड जेड एन ओ और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सी है ये गैस है और ये यहाँ पर सॉलिड है सिंगल सब्सटेंस है सिंगल सब्सटेंस टू सब्सटेंसेस फॉर्म कर रहा है यानी टाइप ऑफ रिएक्शन तो आपके आ जाते हैं यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेकिन उससे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं देखो जेड एन वन है जेड एन वन है जेड एन हमारा यहाँ पर कंप्लीटली बैलेंस है सी वन सी वन ये भी हमारा बैलेंस है ओ थ्री और ओ वन और टू थ्री तो ओ भी हमारा बैलेंस है तो ऑलरेडी हमारी रिएक्शन यहाँ पर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस्ड है और यदि हम टाइप की बात करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों क्योंकि एक सब्सटेंस है सिंगल सब्सटेंस है जो कि टू सब्सटेंसेस में जो है वो डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ पर हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी क्लियर यदि तुम्हें ध्यान होगा तो ये कुछ उसी तरह की रिएक्शन होगी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की होती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है राइट अब सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन का सी पार्ट हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो सी पार्ट को नोट कर लेते हैं हम हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है एस टू एस ठीक है फिर क्लोरीन गैस है उसका फार्मूला होता है सी एल टू ये भी एक गैस है और ये मिलकर बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जिसका फार्मूला होता है आपका एच तो अब यहाँ पर हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे देखो यदि हम हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर टू है और यहाँ पर क्लोरीन टू है तो यदि मैं यहाँ पर टू लिख देती इस तरफ तो हमारा क्या हो गया इधर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया ये भी टू है ये भी टू है हाइड्रोजन बैलेंस हो गया राइट और इधर क्लोरीन टू और क्लोरीन टू तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया तो रिएक्शन हमारी टोटली बैलेंस हो गई है अब हम टाइप देखेंगे रिएक्शन की टाइप क्या है यहाँ पर देखो यहाँ पर दो सब्सटैंसेज हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस दो गैसेज हैं दोनों ने मिलकर सिंगल एक सब्सटेंस बनाया गया प्रोडक्ट क्या है सिंगल रिएक्टेंट कितने दो तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन राइट तो इस तरह से आपको ये करना है डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे आप डी पार्ट है आपका मैग्नीशियम राइट मैग्नीशियम है जिसमें कि आप लिखोगे एम जी सॉलिड है ये और इसने रिएक्शन किया है हाइड्रोज क्लोरिक एसिड के साथ में जो कि हो गया एच सी एल राइट और ये आपका एक्वस फॉर्म में है एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ है ऐसे डाइल्यूट फॉर्म में है। फिर हो गया रिएक्शन जब हुई तो यहाँ पर बना आपका मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला लिखोगे आप एम जी सी एल टू और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस ये आपका गैस फॉर्म में है क्लियर तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर देखो एम जी है और यहाँ पर एच बी टू है तो बहुत इजीली आपकी रिएक्शन बैलेंस होने वाली है आप यहाँ टू लिख दोगे अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी देखो टू हो गया रिएक्टेंट साइड यहाँ भी टू है प्रोडक्ट साइड और इधर सी भी आपका टू हो गया और इधर सी भी आपका टू हो गया तो आपका दोनों बैलेंस हो गया एम जी ऑलरेडी वन वन है तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई अब ये रिएक्शन हमारी कौन सी है देखो यहाँ पर जो है एच सी एल एक एसिड है मैग्नीशियम यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की जगह ली है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन है डिस्प्लेस किया है तो क्या बन गया यहाँ पर एम जी सी एल टू ने प्लेस ले ली और हाइड्रोजन सेपरेट हो गया ये कौन सी कंडीशन है या कौन सी रिएक्शन है ये आपकी टाइप है रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल और आप कह सकते हैं एलिमेंट लेस रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ठीक है तो ये रिएक्शन हो गई आपके यहाँ पर और ये क्वेश्चन आपका इस तरह कंप्लीट हो जाता है आई होप अच्छे से समझाओगेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू